दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे दिल्ली हेलीकॉप्टर राइड एंट्री टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दिल्ली हेलीकॉप्टर राइड टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आ जाइए। गूगल पर सर्च कर लीजिए इज माई ट्रिप। सर्च करने के बाद ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको बुकिंग के सेक्शन में आना है। तीसरे नंबर की लाइन में पहले नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एक्टिविटीज़ का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई गोवा दिल्ली, तो आपको दिल्ली के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर राइड इन दिल्ली, 8164 रुपये पर पर्सन टिकट बता रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। आप ऊपर पिक्चर्स आप देख सकते हो, उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो है तीन अलग अलग पैकेज देखने को मिल रहा है, 10 मिनट वाला, 20 मिनट वाला, 15 मिनट वाला। तीनों का प्राइस अलग अलग है। अब आपके ऊपर आपको कौन सा पैकेज लेना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ओवरव्यू वगैरह दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक का सूटेबल टाइमिंग वगैरह है, यहाँ पर सब कुछ आप टोटल पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बुक करने के लिए आप अपने हिसाब से पैकेज के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट पर आपको जाना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा लगभग से, आप अपने हिसाब से डेट डाल लीजिए, टाइमिंग यहाँ पर ये जो है डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 6 एडल्ट, आप जो है वन टाइम में 6 लोग का ही बुक कर पाओगे, सिंगल बंदे का आप नहीं बुक कर पाओगे यहाँ से, अगर आप इज माई ट्रिप से बुक कर रहे हो तो। याद रखिए आप एक बार अगर सिंगल या डबल पर्सन का बुक कर रहे हो तो आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लीजिए और आप उनको बताइए कि यहाँ पर 6 पर्सन का बुक हो रहा है, हमें 2 या 3 एक जो भी बंदे हो आप उनका बुक करना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो फिर आप जो है दूसरी वेबसाइट से बुक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको टिकट वगैरह थोड़ी सस्ती देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जो है देख लीजिए 6 एडल्ट आ गया है, उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बुक नाउ की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको सबका नाम भरना होगा। याद रखिए जो आईडी कार्ड पर नाम है, जैसे जो आधार कार्ड पर नाम है, वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, याद रखिए। एक एक स्पेलिंग देखिए, वही आप यहाँ पर डालिए। यहाँ पर देख सकते हो मैं सबकी डिटेल भर लिया हूँ, आप भी इसी तरीके से डिटेल भर लीजिए। जो आईडी कार्ड पर नाम है वही देखकर भरना है, याद रखिए। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल लेना है, मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी डिटेल वगैरह है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है डिटेल भरिए, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कंटिन्यू बुकिंग की रेड कलर की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन अगर आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल दी गई है, सबका नाम दिया गया है, एक बार अच्छी से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ, देख सकते हो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप अमेज़ॉन पे वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद आपकी बैंक से जो भी अमाउंट है वो कट जाएगी, आपका टिकट कंफर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके स्क्रीन पर डिटेल आ जाएगी पूरी, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है, याद रखिए। आपके मेल पर भी जो है जो बुकिंग की डिटेल है वो आ जाएगी, याद रखिए। अगर आप यहाँ पर सेव नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर मिल जाएगा।
ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी स्क्रीन पर डिटेल आएगी, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना है। और जब भी आप जाओगे वहाँ पर अपना आईडी कार्ड वगैरह साथ में रखिए, टिकट साथ में रखिए और अपना जो भी हेलीकॉप्टर राइड है उसको कंप्लीट कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट जरूर लिखिए। ओके, जय हिंद।